लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी के लिए प्रदेश में लकी मैस्कट साबित हुए। जब से आप आए हैं तब से बीजेपी निरंतर उन्नति करती जा रही है। कोई भी अचीवमेंट हो वो एक व्यक्ति के आधार पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं इस पद्धति से पल बढ़ करके आगे बढ़ा हूँ कि इस विचार में हम सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ते हैं। 2018 में जब विधानसभा चुनाव था तब यही कार्यकर्ता इन्हीं प्रत्याशियों को हराने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे और अब उनको मेहनत करनी पड़ रही थी इनको जिताने के लिए, तो ये बहुत मुश्किल होता है इस विष को पीना। बूथ बूथ पर हरा करके ऐतिहासिक मतों से जीत हुई है, ये भाजपा कार्यकर्ता की देन हो सकती है और वही कर सकता है। थोड़ा सा नुकसान हो गया बीजेपी को, दिग्विजय सिंह जिस तरह से चुनाव प्रचार से दूर रहे, अगर वो हिस्सा लेते बढ़ चढ़ के तो आप लोगों के शायद 19 से ज्यादा कुछ सीट। मैंने तो कहा था कि कमलनाथ जी आप फिर धोखा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ की सरकार उनके सारे पर चला रहे थे और पर्दे के पीछे चुनाव में पर्दे के पीछे कर दिया आपने उनको। वीडी शर्मा अध्यक्ष मध्य प्रदेश भाजपा से खास बातचीत देखिए INDE विशेष में एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के साथ आज शाम 7 बजे सिर्फ INDE 24 पर।